हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ UPSC RO ARO 2024 प्री किससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स से। चलिए तो आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है या कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है मुंबई रहा है हमारा 22वें स्थान पर। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये अमेरिका का एक अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया है, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड? तो इसका आंसर है आपका श्री श्री रविशंकर, रविशंकर को सम्मानित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? राजस्थान। क्लियर। अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN अमलन शुरू किया? यानी कि किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अमलान शुरू किया? तो वो राज्य है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने इसमें शुरुआत की। सिक्स क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1 दिसंबर को किसने अपनाया अपना, नागालैंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है 2 दिसंबर को, जो कि 23वां था, ये बीच का शुरू हुआ है हमारा नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां, अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? अग्निवॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ है आपका महाराष्ट्र में। क्लियर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के, जो परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है जनजातीय महोत्सव? जम्मू कश्मीर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कहाँ शुरू की गई है योजना? उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ द्वारा। 11वां क्वेश्चन देखिए, 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यानी कि ऐसा देश जहां हिंसा का जोखिम सबसे ज्यादा हो, ऐसे देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? पाकिस्तान। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली? किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने। और किससे जीती थी? महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया था सौराष्ट्र ने। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि महाराष्ट्र ने किसको हराया था या सौराष्ट्र ने किसको हराया था, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया था। सौराष्ट्र जीता था, और किसको हरा के जीता था, रनर अप कौन था? महाराष्ट्र था उसमें। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा
अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, यानी कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया, कौन सा देश था वो? वो देश था हमारा जापान। ठीक है, ये किया हमारा जापान ने। 14 क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 ये जीता है हमारा कैनरा बैंक ने। ठीक है, 15 देखते हैं क्वेश्चन जो है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो डार्क नाइट स्काई रिजर्व हमारा कहाँ बनेगा भारत का पहला? वो बनने वाला हमारा लद्दाख। क्लियर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, तो इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। इसमें शीर्ष पर रहा है हमारा सिंगापुर। क्लियर। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको? आई होप बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और वेरी हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2022 को किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो वो थे हमारे गूगल के सीईओ। ठीक है, अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन, 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया एक? तो किस राज्य सरकार ने किया है इसके लिए विधेयक, धर्मांतरण विरोधी विधेयक? उत्तराखंड सरकार ने। सबसे पहले किसने किया? उत्तराखंड सरकार ने। 19वां क्वेश्चन देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? वो किया हमारे नासा ने, अमेरिका की नासा। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन देखिए, 4 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? हमारा स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखते हैं, 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? M.S. राजामौली। ये साउथ के डायरेक्टर हैं। 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? याद रखिएगा, G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में। अगर ऑप्शन में राजस्थान आए तो राजस्थान लगा दीजिएगा, और उदयपुर आता है तो उदयपुर। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखिए, 5 दिसंबर 2022 को अनीश थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? 5 दिसंबर 2022 को अनीश थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखिए, 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? आप ये पढ़ते रहते हैं तो आता रहता है, ज्वालामुखी फट गया वहां पर, ये हो गया। तो ये माउंट सेमेरू ज्वालामुखी 5 दिसंबर को 2022 को जो फटा है वो कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में फटा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 25वां क्वेश्चन, 6 दिसंबर
2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस मनाई गई, जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था उसकी कौन सी जयंती या कौन सा दिवस मनाया गया, तो वो थी 66वीं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 6 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, यानी आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, वो है आईआईटी मद्रास। देखिए इनकी डेट भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी देखते जाइएगा, इसीलिए मैंने इनको अलग कलर से हाईलाइट किया है, इनको ध्यान से रखिएगा, डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 27 क्वेश्चन देखिए। अडानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट अडानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू किया है, तो ये कहाँ शुरू किया अडानी ग्रीन ने, जैसलमेर में, ये भी कहाँ है, राजस्थान। क्लियर। 28वां क्वेश्चन। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया, ये क्या है हमारा एटीएम, तो आपने बहुत सुने होंगे, ये हमारा गोल्ड एटीएम कहाँ पे खोला गया है, सबसे पहले हैदराबाद। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के रखे हैं इसमें, जो पेपर के आने लायक हैं तो पेपर में आ सकते हैं, पढ़ते जाइए इनको। 29 क्वेश्चन है आपका। 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ, संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। देखिए आप में इसमें दो क्वेश्चन बन गए, कहाँ पे हुआ है, तो ये अपने आप ही दिया है क्वेश्चन में, गोवा में संपन्न हुआ है, और भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ, भारत और अमेरिका, अमेरिका के बीच। अगर आपसे ये पूछ ले किसके बीच हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच, या ये पूछ ले भारत और अमेरिका के बीच संगम अभ्यास कहाँ पे संपन्न हुआ, तो गोवा में हुआ, या भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच गोवा में सातवें संस्करण का कौन सा हुआ अभ्यास, तो संगम अभ्यास। इसी में तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीन चार क्वेश्चन। क्लियर, कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम, दिग्गज शटलर रहे हैं कौन, सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है, कौन सा पदक जीता उन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन। किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेट्रो के ऊपर है, किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अभी किसने बनाया है, हमारा नागपुर मेट्रो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 32वां क्वेश्चन। 6 दिसंबर को किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया है, किन दो देशों ने मैत्री दिवस मनाया है, 51वां किसके बीच हुआ है, भारत और बांग्लादेश ने मनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33। 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जो 100 प्रतिभाशाली महिलाएं चुनी है बीबीसी ने, उसमें भारतीय महिला थी 4 महिलाएं चुनी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 34। 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो किसे बनाया गया है, एच कानेटकर, ये भी पुराने क्रिकेटर रहे हैं, एच कानेटकर को बनाया गया भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच। 35th क्वेश्चन देखिए। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष, पहली पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है भारतीय टेबल टेनिस संघ की, मेघना अहलावत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसको बनाया, मेघना अहलावत।
और देखते हैं वल्नलर सीरीज में अगला क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2022 को भारत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू, बहुत मशहूर नाम है मीराबाई चानू, ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता रजत पदक। ठीक है, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आगे देखिए। 37 क्वेश्चन क्या है, 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बहुत मशहूर है नाम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वो कौन सा वर्ड है? गोब्लिन मोड 2021 वैक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन, अमेरिका की जो टाइम मैगजीन है, ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? यूक्रेन, यूक्रेन देश के व्लादिमीर जेलेस्की को, व्लादिमीर जेलेस्की, आपने बहुत अभी न्यूज में हाईलाइट रहे हैं व्लादिमीर जेलेस्की नाम जो है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 39, 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ आपका रोम में। ठीक है, और यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन इस सीरीज का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन। 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा सारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची कौन बनाता? आर्टन कैपिटल, तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? यूएई। कौन रहा है? यूएई। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी वीडियोस में और लेके आऊंगा आपके लिए क्वेश्चन, आरओआरओ के जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में उससे रिलेटेड। ऐसी मेरी वीडियो को आप पसंद करते रहिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।